नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, मेष लग्न के अंदर मंगल लग्नाधिपति बनकर कुंडली का सबसे अच्छा शुभ ग्रह और राजयोग कर्ता ग्रह बनता है, इसलिए मंगल की महादशा का फल निश्चित बहुत अच्छा मिलेगा। अभी हम लोग और स्टेप अंदर जाएंगे कि मेष लग्न की कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव का स्वामी बनता है और अष्टम भाव का स्वामी बनता है। तो जब भी मंगल की महादशा आएगी तो प्रथम भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती है और अष्टम भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती है उसका फल मिलता है। अगर मंगल शुभ स्थिति में होगा तो वह सारा फल अच्छा होगा, और अगर मंगल खराब होगा तो यह सारी बातों के फल में कमी कर देगा। उसके बाद मंगल के कारक तत्व को भी देखना होगा, मंगल का जो भी कारक तत्व होगा उसके भी फल में अच्छा या बुरा फल मिल सकता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में होगा तो क्या अच्छा फल मिल सकता है। तो अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो जब भी मंगल की महादशा आएगी तो वो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होगा, उसे पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, बच्चों का सुख अच्छा मिलेगा, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उसे मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख अच्छा मिलेगा, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी, वो मेहनतु पराक्रमी साहसिक बनेगा। इस प्रकार से अगर मंगल शुभ होगा तो अच्छा फल मिलेगा, अगर मंगल खराब होगा तो इन बातों में कमी कर देगा। अभी हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में है या अशुभ स्थिति में है, वो जानने के लिए हमें कम से कम 9 नियमों का पालन करना होगा। वो 9 नियम कौन से हैं मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला नियम, लग्नेश होकर मंगल अगर केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो या फिर दूसरे और 11वें भाव में बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल निश्चित ही बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक इसके विपरीत, लग्नेश मंगल तीसरे 6वें 8वें और 12वें भाव में बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरा नियम, लग्नेश मंगल अगर स्वगृही होकर बैठा हो, उच्चका होकर बैठा हो, मित्र क्षेत्री होकर बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल निश्चित बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक इसके विपरीत, लग्नेश मंगल अगर नीचका होकर बैठा हो या फिर शत्रु राशि में बैठा हो तो मंगल की महादशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तीसरा नियम, लग्नेश मंगल शुभ ग्रहों के साथ दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो तो मंगल की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक इसके विपरीत, लग्नेश मंगल पाप ग्रहों से दृष्ट हो, पाप ग्रहों के साथ युति करके बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। उसके बाद चौथा नियम आता है, लग्नेश मंगल शुभ कर्तरि योग में बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलेगा, और लग्नेश मंगल अगर पाप कर्तरि योग में बैठा होगा यानी कि दो पाप ग्रहों के बीच में बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल इतना अच्छा नहीं मिलेगा। पांचवा, लग्नेश मंगल खुद के नक्षत्र में बैठा हो या फिर उसके मित्र नक्षत्र में बैठा हो तो मंगल की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलता है, और अगर मंगल अपने शत्रु नक्षत्र में बैठा होगा तो मंगल की महादशा के फल में कमी आ जाती है। छठवा नियम, लग्नेश मंगल वर्गोत्तमी होकर बैठा होगा तो मंगल की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलेगा। अभी आप कहोगे मंगल वर्गोत्तमी कैसे देखा जाता है, तो सुनिए। जन्म कुंडली के अंदर मंगल प्रथम भाव में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल प्रथम भाव में बैठा हो तो इसे भाव वर्गोत्तमी कहते हैं। तो मंगल जब भाव वर्गोत्तमी होता है तो मंगल की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलता है। ठीक उसी प्रकार से मंगल जिस राशि में लग्न कुंडली में बैठा हो, नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठा हो तो राशि वर्गोत्तमी कहा जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, यहां पे देखिए, जन्म कुंडली के अंदर मंगल मेष राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मंगल मेष राशि में बैठा है तो इसे राशि वर्गोत्तमी कहते हैं। तो जब भी मंगल राशि वर्गोत्तमी होता हो तो मंगल की महादशा का फल बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद का नियम है सातवां,
कि जन्म कुंडली के अंदर चंद्र जहां भी बैठा हो उससे केंद्र में या त्रिकोण में मंगल बैठा हो तो मंगल की महादशा का फल निश्चित बहुत अच्छा मिलता है। उसके बाद आता है आठवां नियम, लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के अंदर नीच का हो और नवमांश कुंडली में उच्च का हो तो मंगल की महादशा का फल अच्छा मिलेगा। ठीक इसके विपरीत, लग्नेश मंगल जन्म कुंडली के अंदर उच्च का हो और नवमांश के अंदर नीच का हो तो मंगल की महादशा का अच्छा फल नहीं मिलेगा। और एक आखिरी नियम है कि अगर लग्नेश मंगल कुंडली के अंदर कोई भी प्रकार का राजयोग बनाता हो, जैसे कि स्वग्रही उच्च का होकर केंद्र में पड़ा हो तो रुचक योग बनाता है, चंद्र मंगल के साथ लक्ष्मी योग बनाता है, तो ऐसे कोई भी योग बनाता हो तो भी मंगल की महादशा के अंदर उस राजयोग का फल मिलता है। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि मंगल की महादशा के अंदर कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी जाएगी और कौन से ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाएगी। तो ध्यान से सुनना, मंगल की महादशा के अंदर चार ग्रहों की अंतर्दशा बहुत अच्छी जाती है। उसमें सबसे पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्र, तीसरा है मंगल, चौथा है गुरु। सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु, ये चारों ग्रहों की अंतर्दशा का फल बहुत अच्छा मिलता है। ठीक इसके विपरीत, मंगल की महादशा के अंदर बुध, उसके बाद शनि, राहु, ये ग्रहों की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती है। क्यों? उसके दो कारण हैं। मंगल के शत्रु कौन है? मंगल का शत्रु है शनि और राहु, ये दोनों मंगल के परम शत्रु है। इसीलिए मंगल की महादशा के अंदर शनि और राहु की अंतर्दशा अच्छी नहीं जाती। दूसरा, मेष लग्न की कुंडली के अंदर बुध तृतीयेश और षष्ठेश होकर प्रबल मारक बनता है, शुक्र द्वितीयेश और सप्तमेश होकर प्रबल मारक बनता है, इसलिए मंगल की महादशा के अंदर बुध और शुक्र की अंतर्दशा भी अच्छी नहीं जाती है। लेकिन हाँ, अगर कुंडली के अंदर बुध शुक्र शनि स्वगृही होकर बैठे हो, उच्च के होकर बैठे हो, कोई राजयोग बनाते हो तो ये तीनों ग्रहों की अंतर्दशा भी अच्छी जा सकती है। ये सारा स्टडी करता है ब्राह्मण। उसके बाद हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि अगर मंगल की महादशा चालू हो और मंगल का कुंडली के अंदर कैसा फल देता है वो जानने के लिए आपको कुछ छोटे से एग्जाम्पल देता हूं। इधर देखिए, लग्नेश मंगल दशम भाव में उच्च का होकर दिशाबली होकर चंद्र के साथ बैठा है तो कैसा महादशा का फल मिलेगा? तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, नौकरी के अंदर उच्च पदाधिकारी बनेगा, समाज के अंदर मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, उसके उसके जीवन में लक्ष्मी की वृद्धि होगी, उसकी शारीरिक तंदुरुस्ती अच्छी होगी। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, लग्नेश मंगल चौथे भाव में नीच का होकर बैठा हो तो मंगल की महादशा का फल कैसा मिलेगा? माता की तबियत नरम गरम हो सकती है, उसके बाद मकान वाहन प्रॉपर्टी सुख के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, वाहन से अकस्मात योग बन सकता है, अगर कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो उसकी डिग्री में रुकावटें आ सकती है। तीसरा एग्जाम्पल, लग्नेश मंगल पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पे मंगल मित्र राशि में और केंद्र में त्रिकोण में बैठा है तो बहुत अच्छा फल देगा। तो जब भी मंगल की महादशा आएगी तो बच्चे शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, उसके बाद उसको शेयर सट्टे से लाभ होगा, अचानक धन लाभ की संभावना बनेगी, व्यक्ति की बुद्धि कुशाग्र होगी, इस प्रकार से मंगल की महादशा का फल मिलता है। एक आखिरी एग्जाम्पल, लग्नेश मंगल भाग्य स्थान में बैठा हो तो भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य उसका साथ देगा और व्यक्ति बहुत नसीबदार बनेगा, मंगल की महादशा बहुत अच्छी जाएगी और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करेगा, इस प्रकार से फल देखा जाता है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कुंडली के अंदर मंगल की महादशा चालू हो और मंगल कुंडली में कमजोर हो तो कौन से उपाय करने चाहिए। ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः, ये मंत्र करो, जाप करना चाहिए। किसी अच्छी ब्राह्मण को कुंडली दिखा के मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हो और गुड़ और गेहूं का दान कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।